दोस्तों आज हम बहुत ही बढ़िया सी एक रेसिपी लाए हैं जो आपके खाने के जायके को निश्चित ही बढ़ा देगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। मसाला वीट फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों लाल मिर्चें आजकल आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपने अचार तो डाल लिया होगा, लेकिन मैं आपको आज बताने जा रही हूँ लाल मिर्च की चटनी, जो बहुत टेस्टी होती है। और इसे अगर आप बना के रख लें तो 25-30 दिन आराम से ये फ्रिज के अंदर तैयार बनी रखी रहती है। जब भी आपको खाना हो तुरंत निकालिए और खाने के साथ सर्व कीजिए, तो खाने के जायके को ये बढ़ा देती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए चलिए बताते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मिर्च ली है, जिसे इस तरीके से काट लिया। ये 3 नींबू का रस है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मिक्सी के जार में डाल के इसको मैं पीस लूँगी। तो हमने इसको पीस लिया है। देखिए हमने इसे बिल्कुल भी महीन नहीं किया है, थोड़े थोड़े इसके पीसेस बाकी हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए मैं इसमें 5-6 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ और इसे खूब पक जाए तब तक के लिए इसे फुल आंच पे मैंने छोड़ दूंगी। देखिए गरम हो चुका है, जैसा आपको दिख रहा होगा धुआं निकलने लगा है। मैं झटपट इसमें डाल देती हूँ मिर्चें। तो दोस्तों थोड़ा दूर हो जाइएगा जब भी आप डालें, क्योंकि इसमें पीसने के बाद पानी आ जाता है तो वो हमारे ऊपर आने लगता है, छींटें आने लगती हैं दोस्तों। अब हम इसे इसी में चलाएंगे और इसे चलाते हुए अभी हम भूनेंगे। मसाला थोड़ी सी देर बाद डालेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसे भूनने के बाद इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई। और हमने आंच को फुल ही रखा हुआ है, जिससे कि ये खूब बढ़िया से भून जाए और जल्दी से तैयार भी हो जाए। देखिए आप इसका कलर देख ही रहे होंगे कितना बढ़िया आया है, क्योंकि लाल मिर्च है, खाने में भी टेस्टी लगती है। और जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो जो थोड़ा बहुत भी चरपड़ापन इसमें होता है ना, वो भी ख़त्म हो चुका होता है। तो आप इसे खाएंगे ना तो बिल्कुल भी मुंह में लगेगा नहीं और स्वाद आएगा एकदम। इसका एक तो फ्लेवर आएगा मिर्च का, और नींबू की वजह से इसमें खटास आ जाएगी, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। तो जब तक इसमें हमें बाहर तेल ना दिखे और इसका पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम इसे चलाएंगे। देखिए तेल बाहर आ चुका है, तो हम इसमें अब डाल रहे हैं नमक। तो नमक थोड़ा सा तेज़ी रखेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच धनिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम डालेंगे इसमें इतनी ही सौंफ, बहुत बढ़िया सा सौंफ का फ्लेवर हमें मिलने वाला है, ये देखें। और इसे मिला देंगे। ये देखिए, और ये हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। गैस को हम थोड़ा कम किए देते हैं। ये देखिए मैंने आधा ही डाला है। इसे पहले टेस्ट कर लूँगी एक बार कि कितना प्रॉपर खट्टा हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं इसमें और नींबू का रस डाल दूँगी। आप कलर देख रहे हैं इसका कितना बढ़िया है। किसी के आगे सर्व करें या खाने में अपने साथ भी आप जब खाते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों ये तो तैयार हो चुका है और अब हम इसे सर्व किए देते हैं। तो हम इसे सर्व किए देते हैं दोस्तों, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका ढक्कन लगा के हम फ्रिज में रख देंगे और आराम से ये महीने भर चलेगा। तो दोस्तों ये मिर्च की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे मठरी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रेसिपी के साथ। देखते रहिए मसाला बीट।